हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द टेलीग्राफर पे। आज हम आपको ले चलेंगे काठमांडू, जो है नेपाल का कैपिटल। काठमांडू दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी में से एक होने के बावजूद अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। काठमांडू में आपको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का एक अमालगमेशन मिलता है जो देखता ही बनता है। काठमांडू अपने रिच ट्रेडिशंस, रिलीजियस हिस्ट्री और ब्यूटीफुल लोकेल्स की वजह से जाना जाता है। 2015 में आए भूकंप की वजह से जो नेपाल के काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो डैमेज हो चुके थे, लेकिन अगर आप आज के दिन अगर आप काठमांडू में देखोगे तो उनमें से काफ़ी हद तक जो बिल्डिंग्स हैं वो रिपेयर हो चुके हैं और कुछ जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी रिपेयर के प्रोसेस में हैं। वैसे तो काठमांडू में आप जितना भी टाइम बिताओगे आपको कम लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ऑलमोस्ट पूरा काठमांडू कैसे घूम सकते हो 3 डेज और 2 नाइट्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट ऑफ काठमांडू घुमाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेपाल इंडिया का बहुत ही करीबी नेबर है और नेपाल और इंडिया के रिलेशंस कुछ इस तरह है कि नेपाल से इंडिया या फिर इंडिया से नेपाल जाने के लिए आपको ना ही पासपोर्ट और ना ही वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आप रोडवे से भी जा सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे बसें चलती है दिल्ली या नोएडा से, जो आपको सीधा नेपाल के अंदर तक ले जाती है। हम इंडिया से नेपाल गए थे इस बस में और ये बस ने हमको बॉर्डर भी क्रॉस करवाया था, लेकिन अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली काठमांडू लैंड कर सकते हो फ्लाइट से। नेपाल के बॉर्डर से कुछ ही दूर आपको पड़ेगा एक जगह जिसका नाम है बुटोल। वहाँ से आप पकड़ोगे ये गाड़ी जिसको बोलते हैं हाइस। ये फुल्ली एयर कंडीशन गाड़ी होता है जो आपको पहुंचा देगा सीधा काठमांडू तकरीबन 5 से 6 घंटे में। हमारा रोड का जर्नी काफ़ी टफ था, क्योंकि जो रास्ता बुटोल से काठमांडू जा रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लोगे गाड़ी बुटोल से काठमांडू के लिए तो आपको एसी गाड़ी ही लेनी पड़ेगी। बुटोल से काठमांडू जाने का रास्ता काफ़ी सुंदर होता है और बीच बीच में आपको ऐसे जगह पर रोका जाएगा जहाँ पर आप नेपाली खाना खा सकते हो। ये गाड़ियाँ मोस्टली एक ऐसे रेस्टोरेंट पर रुकेंगी जहाँ पर आपको नेपाली नाश्ता भी मिलेगा। उस नाश्ते में आप कुछ ऐसा आइटम खा सकते हो जो नेपाल में ज़्यादातर लोग खाते हैं, तो आप ऐसे डिशेस का भी मज़ा ले सकते हो। हम लोग काठमांडू काफ़ी देर से पहुँचे थे शाम को, इसलिए जो हमारा घूमने का प्लान था हमने वो स्टार्ट किया नेक्स्ट डे सुबह से। काठमांडू में जो हमारा पहला स्पॉट था वो था स्वयंभूनाथ। स्वयंभूनाथ काफ़ी खूबसूरत है और ये एक्चुअली एक श्राइन है जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट नहीं, हिंदू लोग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, नेपाल में आपको हिंदू और बुद्धिज़्म का काफ़ी अमालगमेशन दिखेगा। स्पेशली काठमांडू में आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। यहाँ पर आपको दोनों हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग अपने तरीके से पूजा करते हुए आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। स्वयंभूनाथ मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है और ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है काठमांडू के लिए। ये बहुत ऊंचाई पे है और इसलिए यहाँ से आपको मिलता है काठमांडू का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको ये व्यू मिस नहीं करना चाहिए। स्वयंभूनाथ कंपाउंड में ही आपको मिल जाएगा बुद्धा पार्क या फिर आमिदेवा बुद्धा गार्डन। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत 3 बुद्ध के मूर्ति मिलेंगे। इन मूर्तियों का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब आप जाओगे तो ये जगह आपको काफ़ी ज़्यादा मस्मराइज करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको और यहाँ का आर्किटेक्चर आपको हैरान कर देगा। तो ये भी एक और जगह है बुद्धा पार्क जो काठमांडू में है, जो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेपाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो जगह है वो है पशुपतिनाथ मंदिर। हर हिंदू के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, तो अगर आप नेपाल जाते हो तो पशुपतिनाथ मंदिर आप मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको फ़ोन पॉकेट में रखना चाहिए। अगर आप बाय चांस पकड़े गए फोटो वगैरह खींचते हुए तो वो आपके फ़ोन से फोटो वगैरह डिलीट करवा देते हैं, तो ये काफ़ी एम्बेरसिंग हो जाता है। तो ये है पशुपतिनाथ मंदिर का एंट्रेंस और ये वो लास्ट जगह है जहाँ पर आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप अंदर घुस जाओगे तो आप फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको अगर पीछे दिख रहा होगा तो आपको नंदी का बैक साइड दिख रहा होगा, तो ये पशुपतिनाथ मंदिर का एक छोटा सा झलक है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर तो मैं आपको ऑब्वियसली दिखा नहीं सकता। पशुपतिनाथ मंदिर के ही कंपाउंड में आपको मिल जाएंगे ऐसे जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ वगैरह जलाया जाता है, तो अगर आप ये सब देख नहीं सकते हैं तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर कर सकते हो। तो आप सीधा ऊपर की तरफ जा सकते हो, एक बार आप बाहर आ जाओगे और वहाँ से आपको पशुपतिनाथ मंदिर का आउट साइड से व्यू मिलेगा और यहाँ पर लोग बहुत सारे
फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो गोल्डन जिसका कैनोपी है, वो है पशुपतिनाथ मंदिर का मेन जो मंदिर है वो आप देख सकते हो इस दृश्य में। काठमांडू में मेरा फर्स्ट डे में जो मेरा फेवरेट जगह था इसका नाम है बौद्धनाथ। बौद्धनाथ स्तूपा के चारों तरफ आपको दिखेंगे सैकड़ों रेस्टोरेंट और हर रेस्टोरेंट में मिलेगा आपको रूफटॉप। तो हम भी चले गए थे एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था पैराडाइज रेस्टोरेंट और वहाँ से हमको बौद्धनाथ स्तूपा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला और यहीं पर किया हमने हमारा लेट लंच बौद्धनाथ स्तूपा के जस्ट सामने। ये मॉन्यूमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और क्योंकि इसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे तो इसमें काफ़ी मॉडर्न टच भी आया था और साथ ही साथ आप यहाँ पे बुद्धिस्ट प्रेयर्स वगैरह भी होते हुए देख सकते थे। ये देख के मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ मॉन्यूमेंट दिल्ली में भी होना चाहिए जहाँ पे बीच में एक मॉन्यूमेंट हो और उसके चारों तरफ रेस्टोरेंट हो, क्योंकि अगर ऐसा जगह अगर दिल्ली में होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा हिट होगा अमंग्स द यंग जनरेशन। ऐसे स्तूपास आपको और भी दिख जाएंगे काठमांडू में, जैसे कि ये है चारुमती स्तूपा। चारुमती स्तूपा चारुमती के द्वारा बनाया गया था जो थी एम्परर अशोका की बेटी। जो हमारा फर्स्ट डे का लास्ट स्पॉट था काठमांडू में वो था बूढ़ा नीलकंठ। बूढ़ा नीलकंठ अगर आप इंग्लिश में लिटरल ट्रांसलेट करोगे तो वो है ओल्ड ब्लू थ्रोट। ये मंदिर काठमांडू में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको मिलेंगे लॉर्ड विष्णु का स्टैचू जो स्लीपिंग पोजिशन में मिलेंगे आपको। जैसे कि आप जानते ही हैं काठमांडू को बोला जाता है लैंड ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे आपको हज़ारों टेम्पल दिख जाएंगे और बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जिसका इम्पोर्टेंस इतना है कि हर काठमांडू में बैठने वाला निवासी जो है उस टेम्पल को बहुत ही ज़्यादा मानता है और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है बूढ़ा नीलकंठ। यहाँ पर जो लॉर्ड विष्णु की मूर्ति मिलेगी आपको वो मिलेगी स्लीपिंग पोजिशन पर। इस मूर्ति को हर सुबह सजाया जाता है, अडोन किया जाता है विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स और शाम को वो जो ऑर्नामेंट्स है वो निकाल दिया जाता है फॉर ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस। तो यहाँ पर आप वो मूर्ति देख सकते हो विष्णु जी की जो आदिशेषा के ऊपर लेटे हुए हैं। काठमांडू में ये जो सारे टेंपल्स होते हैं यहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा अलग होती है और आपको वो महसूस करने के लिए उसी जगह जाना पड़ेगा ताकि आप वो वाइब समझ सको। काठमांडू की खासियत यह है कि हर टूरिस्ट स्पॉट के बाहर आपको दिख जाएंगे बहुत ही खूबसूरत कैफेज जहाँ पर आप अच्छा अच्छा खाना वगैरह खा सकते हो। काठमांडू के सेकेंड डे पे हम चले गए काठमांडू से थोड़ा सा दूर, काठमांडू से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है सांगा। काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप जाओगे तो आपको नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे आपको काफ़ी लुभाएगी। तो वहाँ जाने का हमारा मेन पर्पज़ था कैलाशनाथ महादेव स्टैचू। ये शिव जी की मूर्ति है, ये शिव जी की सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है पूरे वर्ल्ड में। इतना ही नहीं, ये हिंदू डीटी का सेकेंड सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा ये शिव जी का स्टैचू जो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ से आपको जो नज़ारा मिलेगा पूरा काठमांडू का वो भी देखने लायक होगा। और यहीं पे हमको मिला ये अचार जैसा कुछ जो काफ़ी टेस्टी था खाने में और बहुत ज़्यादा चटपटा है। अगर आपको चटपटा चीज़ पसंद है तो आप ये ज़रूर पैक कर सकते हो अपने लिए। हम दोपहर को हमारा लंच करके चले गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर जो सांगा से कुछ ही दूर है जिसका नाम है भक्तपुर। और भक्तपुर में जो सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है भक्तपुर दरबार स्क्वायर। नेपाल में आपको तीन दरबार स्क्वायर्स मिलेंगे जो है भक्तपुर दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार स्क्वायर और पटन दरबार स्क्वायर। ये तीनों ही दरबार स्क्वायर्स बहुत ही फेमस है काठमांडू में और ये तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। जो एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे कपल्स मिल जाएंगे जो प्री वेडिंग शूट्स करा रहे होंगे। बाकी दरबार स्क्वायर्स की तरह ही भक्तपुर दरबार स्क्वायर ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया था ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, द फेमस अर्थक्वेक दैट हैपेंड इन काठमांडू फ्यू ईयर्स बैक। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे टेंपल्स दिखेंगे जो आपको शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। भक्तपुर दरबार स्क्वायर इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि जो नेपाल के पहले के राजा लोग थे वो यहीं पर रहते थे। जहाँ एक तरफ आपको भक्तपुर दरबार स्क्वायर में बहुत सारे स्पॉट्स मिल जाएंगे फ़ोटोज़ खींचने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आपको यहीं पे काफ़ी जगह दिखेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जब 7 साल पहले अर्थक्वेक आया था काठमांडू में वही कंस्ट्रक्शन आज भी चल रहा है, वो आपको आसानी से देखने को मिल सकता है यहाँ पर। भक्तपुर दरबार स्क्वायर के ही तरह काठमांडू में दूसरा दरबार है जो है काठमांडू दरबार स्क्वायर, जो काठमांडू के मेन सिटी में है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर के तरह ही काठमांडू दरबार स्क्वायर में भी आपको काफ़ी डैमेज दिखेगा जो भूकंप की वजह से हुआ था, लेकिन यहाँ की आर्किटेक्चरल ब्यूटी ऐसी है कि यहाँ के सारे टूरिस्ट जो है जो नेपाल में आते हैं वो इस दरबार स्क्वायर को ज़रूर विज़िट करते हैं।
काठमांडू दरबार स्क्वायर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये कुमारी घर, जहाँ पर काठमांडू की कुमारी यहाँ पे बैठती है। अगर काठमांडू की कुमारी के बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हो तो आई थिंक सो आपको बसंतपुर दरबार स्क्वायर या फिर काठमांडू दरबार स्क्वायर से ज़्यादा खूबसूरत जगह आपको नहीं मिल पाएगी। तो हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि काठमांडू दरबार स्क्वायर को बसंतपुर दरबार स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर के मुकाबले मुझे काठमांडू दरबार स्क्वायर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है भक्तपुर दरबार स्क्वायर के मुकाबले। और ये जो आप स्पॉट देख रहे हो, ये एक बहुत फेमस स्पॉट है जो काठमांडू दरबार स्क्वायर के अंदर आता है। ये काली मंदिर है जो बहुत फेमस है, बलि वगैरह जहाँ पर चढ़ता है। तो अगर आप ये सब देख सकते हो तो ही आप यहाँ पर थोड़ी देर रुकना, वरना आप पूजा करके आप यहाँ से निकल सकते हो। मुझे काठमांडू दरबार स्क्वायर का आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर लगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा टेंपल्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो, और हर टेंपल का आर्किटेक्चर जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। जहाँ तक मुझे पता है ऐसे टेंपल्स इंडिया में कॉमन नहीं है। यहाँ पे हर टेंपल जो है आपको मिलेंगे लेवल्स में, और इस तरीके का आर्किटेक्चर टेंपल्स में इंडिया में तो आई थिंक सो कॉमन नहीं है। तो ये एक काफ़ी यूनिक चीज़ है जो आपको काठमांडू में देखने को मिलेगी। जो मेरा लास्ट स्पॉट फॉर द डे था और मेरे काठमांडू ट्रिप का भी लास्ट स्पॉट था, वो था 22 धारा। जैसे आप नाम से समझ सकते हो, 22 धारा मतलब 22 स्ट्रीम। ये जगह बेसिकली एक गार्डन है जिसका नाम है बालाजू वाटर गार्डन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 जगह है जहाँ से पानी निकलता है इस तरीके से। इस पानी को काफ़ी होली माना जाता है, और अगर आप 22 के 22 धारा से नहाते हो, इस पानी से नहाते हो, तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन बालाजू वाटर गार्डन में ही जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बाल नीलकंठ। मैंने आपको बूढ़ा नीलकंठ के बारे में बताया था, तो ये है बाल नीलकंठ, जो बेसिकली एक स्मॉलर वर्जन है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का। तो ये भी काफ़ी सुंदर मंदिर है, और सिमिलर पोजीशन में आपको विष्णु जी दिख जाएंगे लेटते हुए। तो क्योंकि ये हमारा लास्ट स्पॉट था काठमांडू में, हमने सोचा कि हम यहाँ पर विष्णु जी का दर्शन आखिरी बार कर लें। काठमांडू छोड़ने से पहले आप वहाँ पे एक चॉकलेट्स वगैरह खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेन ओरिजिन के चॉकलेट्स मिल जाते हैं, तो आप ये खरीद सकते हो अपने फ्रेंड्स के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा 2 नाइट्स 3 डेज इन काठमांडू। मैंने काफ़ी सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जो मैंने मिस कर दिए हैं, मुझे पता है, लेकिन अगर आप 2 रात के लिए जाते हो तो आई थिंक सो ये स्पॉट्स आपके लिए बहुत काफ़ी होंगे। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर कुछ भी सवाल है आपके मन में काठमांडू के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सारे जवाब दे सकता हूं, क्योंकि मैं काठमांडू थोड़ा बहुत घूम चुका हूं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अंटिल देन, कीप रॉकिंग।